अरे भाग्यलक्ष्मी छुट्टे पैसे दो ना, कब से चिल्ला रहा हूँ। अरे भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है, ठहरो देखती हूँ शायद विद्या के पर्स में छुट्टे हो। रोज छुट्टे पैसे जमा करती हूँ, ये लोग ले जाते हैं और फिर मुझ पे। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर दीक्षित, विद्या, विद्या। क्या हुआ, क्या बात है? पता है क्या किया हमारी बेटी ने? क्या किया है? विद्या ने। क्या है मामा? बर्बाद करेगी, क्या मुंह दिखाओगे? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो? लक्ष्मी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बीमारी की वजह तो ये लड़की है, लड़की। देखो जरा उसके पर्स में, देखो तो सही। भाग्यलक्ष्मी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बेटी अब ब्याह के काबिल हो गई है। तो क्या इसका मतलब है हमें बेइज्जत करेगी? भाग्यलक्ष्मी, मेरा ख्याल है तुम लड़के के घर वालों से मिल लो। मिल लो, पता नहीं कैसे हैं वो लोग। वो लोग अच्छे हैं मामा। चुप कर, तू रो जा मेरी नजरों से। रो। भाग्यलक्ष्मी मेरी एक बात मानोगी, तुम एक बार उस लड़की को देख तो लो। मुझे विक्रम के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम विद्या से एड्रेस लेकर लड़के वालों से मिल आना। देखिए जी, अरुण हमारा इकलौता बेटा है जी, हम चाहते हैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो। आप फिक्र मत करें बहन जी, अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए फिर भी हम आपसे कुछ साफ साफ बातें करना चाहते हैं जी। वो क्या है कि 50-60 तोले सोने के जेवर, कलर टीवी, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि लाख रुपए नगद के तो कई ऑफर हमारे बेटे के लिए आ चुके हैं। मगर भाई साहब हम लोग तो इतना नहीं दे पाएंगे। हम ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो फिर सामने दरवाजा है, अभी आप जाइए। जब हम अरुण की शादी का कार्ड आपको भेजेंगे तो आप जरूर आइएगा और खाना खाकर जाइएगा। तो आप 2 लाख रुपया डोनेशन नहीं लाए? नहीं सर, मैं तो सिर्फ मार्कशीट लेकर आया हूँ सर। मेरे बेटे के 98% मार्क्स हैं। अच्छा? मेरे ऑफिस के बाहर एक कचरे का डब्बा है, जाते वक्त इसे उसमें डाल देना। मैं ही मना करके चली आई। अरे भाई इकलौती बेटी है हमारी, सच कहूं तो मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा, है ना विक्रम? मेरा मतलब है कि इससे 1000 गुना अच्छा लड़का हमारी विद्या को मिल सकता है। बस एक बार हमारा विक्रम इंजीनियर बन जाए सब ठीक हो जाएगा। इंजीनियर बन के क्या फायदा, एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन मैंने ना कह दिया। अरे आज सुबह के अखबार में पढ़ा मैंने कि लाखों इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं, लाखों। और हाँ, साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हमारा विक्रम बीएससी करेगा, पीएचडी करेगा। हैं? हम कब तक एक दूसरे से छुपाते रहेंगे भाग्यलक्ष्मी? सच तो यह है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अरे मायूस क्यों हो रहे, धीरज रखिए। इनका सब अच्छा होगा, ईश्वर देख रहा है। देखना एक दिन ये इंजीनियरिंग की सीट चलकर हमारे घर आएगी और ये रिश्ता हमारा दरवाजा खटखटाएगा। विक्रम देखो तो बेटा कौन आया है। आप? मुस्तफा। बैठो बैठो बैठो। दयानंद मुझे मालूम है तुम्हें बच्ची की शादी के लिए
और बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत है। देखो ये इतने पैसे हैं कि इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। बस इसके बदले में तुम्हारे कचहरी में हमारे जो भी पेपर आएंगे उन्हें पास करते रहना। इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो? हैं? इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो? उस वक्त मैंने तुम्हारे उसूल जाने थे, आज तुम्हारी हालत जान चुका हूँ। देखो इस शादी के कार्ड पर तुम्हारे बच्चे का नाम छप सकता है। क्या बोलते हैं तुम हिंदू लोगों में वो चिरंजीव सभा कांक्षिन विद्या, इस घर के दरवाजे पर दूसरी पार्टी लग सकती है। मिस्टर विक्रम दीक्षित बीए बैचलर इंजीनियर। तुम बीमार हो, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो, बच सकती हो, समझाओ इसे। हाँ मैं समझ गया। लक्ष्मी, मेरी तनख्वाह से सिर्फ ये घर चला, मगर मेरे उसूलों की वजह से इस घर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है मुस्तफा। मुझे पता था तू भी बिकाऊ निकलेगा, छपवा दे कार्ड। नहीं, ये पैसे मत लीजिए डैडी, आज से मैं अरुण को भूल जाऊंगी। मुझे भी इन पैसों से इंजीनियर नहीं बनना है डैडी। तुम्हारी तो जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी क्या राय है? इन पैसों से इलाज करवाने से तो मर जाना अच्छा है। देखा, पैसे लेने के सिर्फ बात से इन पर यह असर हुआ। अगर सचमुच में पैसे ले लेता तो क्या होता? विक्रम बेटा यहां आओ। विद्या बेटी, देखा मुस्तफा, ये है हमारा परिवार। अच्छा है, इसकी एक फोटो उतारो और एल्बम में चिपका दो। वैसे झाड़ पे पैसे लटकते नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है, बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं, जब जी चाहे उतार लेना। डैड, मैंने कविता को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो यहां आने के लिए तैयार ही नहीं। अरे डांस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार, क्या है बेकार। अरे बेटा सुन, ये डांस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, अगर कविता नहीं आ रही तो हम लोग जा रहे हैं यहां से। कविता नहीं आई तो हमारा क्लब बर्बाद हो जाएगा। तो एक काम कर, रोहन को साथ लेके जा और कविता को उठा के लेके आ, जा। ओके डैड। ऐसे समय में हम लोग को जाना चाहिए। चुप बैठो, ऐसे आदमी के घर जाने से बदनामी होती है। बुढ़िया मर गई, भगवान की इच्छा, क्रियाक्रम हम करवा लेंगे। चल, तुझे चलना पड़ेगा। अरे चलेगी कैसे? नहीं चल, चल। देखो मुस्तफा, तुम बीच में दखल मत दो, इसके साथ हमारा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, आज की रात इसे होटल में नाचना ही पड़ेगा। अर्थी उठाने के बजाय लड़के उठाने आए हो, लवारिस समझा। सुदामा चल। Ha ha ha!
मुस्तफा भाई सलाम सलाम मुस्तफा भाई सलाम भाई भर दिया पूरा जी भाई। ये देखो टायर का ट्यूब, चार पहिए के गाड़ी को चलाता है और इसके अंदर का माल दो पहिए के आदमी को बंदर बना देता है। सलाम मुस्तफा भाई सलाम भाई सलाम भाई सलाम। यहाँ चूल्हे पे गरीबों के लिए खाना नहीं दारू बन रही है, जो उन्हें सर से पांव तक नशा देती है जिंदगी भर का गम भूलने के लिए, और उसी गम में एक दिन वो मर जाते हैं। ये रहा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा। नमस्ते 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 बैठ जाओ बैठ नमस्ते भाई। सलाम सलाम भाई सलाम मुस्तफा भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक और धंधा, बाहर सिलाई का कारखाना और यहाँ अंदर हर किस्म के हथियार बनते हैं, बम बंदूकें देसी तमंचे एसिड बल्ब। आजकल सरकार इसके बल पर चलती है, आवाम की वोट पर नहीं। गरीब औरतों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने अब्बा को खिताब दिया है। इस पूरे धंधे के मालिक अब्बा हैं, वो मालिक मैं नौकर। इसके बावजूद मैंने कहा नशीली चीजें और औरतों का धंधा नहीं करूंगा, उन्होंने मान लिया। अब्बा को मेरे उसूल मंजूर हैं, इसलिए मुझे अब्बा। आओ इस हाथ में कभी भी हथकड़ी पड़ सकती है, मैं उससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, हमेशा मेरे साथ चलती है। क्या अब भी तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? दो अलग अलग दुनिया में जीते हैं हम। अलग अलग दुनिया में जीते थे, अब नहीं। जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। चलो मुझे अपने घर ले चलो। सलाम सलाम। ये लोग कौन है? अब्बा के लोग हैं, मेरी हिफाजत के लिए। आपकी हिफाजत के लिए? हाँ, क्यों? पता नहीं, सड़क पर तो खुलेआम गाड़ी चलाते हो, किसी से डरते नहीं, आपको हिफाजत की क्या जरूरत है? सड़क पर आंखें खुली होती हैं, रात को सोता हूँ तो आंखें बंद होती हैं। आज से आप सोइए और मैं जागती रहूंगी। आओ। पहली बार इस घर में किसी औरत ने कदम रखा है। मैं यहां अकेला रहता हूं, और ये तोतू, तोतू
यह है कविता। बेईमान, पहली मुलाकात में तुम्हारा हो गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। गोली भी चल सकती है, कहीं मेरे हिस्से की मौत तुम्हें न मिल जाए। आओ इधर आओ। कब से अकेले रहते हैं आप? बचपन से। घर वाले? गुजर गए बचपन में। किसी की याद नहीं आती? कुछ यादें ही नहीं तो याद कहां से आएगी। ये आपका है? बाकी सब अब्बा का है, सिर्फ ये मेरा है। आप बजाते हैं? बजाता था। बजाइए ना। पहले बजाओ, फिर खाना खिलाऊंगा। सिर्फ दो ही साथी थे, ये साज और सुदामा। इस आज की वजह से कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, गा बजाकर अपना पेट भर लेते थे। उम्र ऐसी थी कि भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। हाथ तो साज बजाते थे लेकिन नजर रोटी पर टिकी हुई रहती थी। एक दिन कुछ लोगों ने खाने की लाज देकर मेरा साज तो सुना मगर खाने के बजाय गालियां सुनाई। साहब खाना, आपने कहा था ना इसे बजा तो खाना दोगे। बड़े रुआब से मांग रहा है क्या? तेरे बाप सुधार लिया था साले? साहब गाली मत दो, हरामी साले जवान लड़ाता है। ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बाप को देखा तो नहीं था लेकिन बाप की हुई गाली ने दिल गहरा जख्म कर दिया। अरे रुक 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 रुक, बड़ा बहादुर बच्चा है। क्या नाम है तेरा? गुलाम मुस्तफा। मुस्तफा कहाँ रहता है? ठिकाना नहीं है, यतीम हूँ। यतीम है? अच्छा मेरे साथ रहना बेटे। बेटा? अब्बा ये सुदामा है, मेरे साथ रहता है। अच्छा चल तू भी चल, आजा बैठ जाओ गाड़ी में, आजा। ए, हाथ हटाओ। जिंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आई है, दोबारा कभी अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना।